हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इनको कहीं घुमाने ले जाने के लिए बोलने वाली, तो वो तो बेडरूम में सो रहे हैं। चलो उनसे बात करते हैं। योवी घुमाने लग गए, चलो ना घुमाने लग गए। चलोगे कि नहीं? कहाँ ले जाओगे? काफ़ी मनाने के बाद ये एग्री हो गए कि हम मुझे घुमाने लेके जाने वाले, तो देखते हैं ये मुझे कहाँ घुमाने लेके। हम लोग रेडी हो गए हैं फाइनली जाने के लिए, निकल गए हैं। थोड़ी देर में हम मकुटा पहुँचने वाले हैं। जा रहा है अभी कुछ टाइम में लक्ष्मी विलास पैलेस का थर्ड नंबर आएगा, थर्ड नंबर गेट आएगा। और अभी कुछ टाइम में हम बड़ोड़ा अबूटा ब्रिज पर एंटर होने वाले हैं। शनि भगवान का यहाँ का फेमस मंदिर आएगा, शनि भगवान का। और ये हम अबूटा ब्रिज पे एंटर हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा मौसम लग गया है यहाँ का। शाम के टाइम काफ़ी सारी पब्लिक यहाँ पे घूमने के लिए आती है, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं। इस ब्रिज पे शाम को ही ज़्यादातर भीड़ होती है, 8-9 बजे के टाइम बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे। देखिए काफ़ी सारी पब्लिक है राइट साइड में भी। देखिए शाम का टाइम भी अच्छा लगता है यहाँ पे। लीजिए एंटर हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा है, इवनिंग के टाइम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे शाम के टाइम। आप भी कभी बड़ोड़ा आओ तो अबूटा बीच आना मत भूलिएगा, बहुत अच्छा बीच है यहाँ, बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम। अभी तो लाइटिंग चालू नहीं है, लेकिन अभी इवनिंग के टाइम यहाँ पे कलरफुल लाइटिंग भी जलती है, लेकिन शाम को मैं उसका भी व्यू दिखाऊँगी। अभी थोड़े टाइम बाद लाइटिंग भी चालू हो जाएगी यहाँ की। फाइनली हम यहाँ रुके हैं और बात करें। ओ भाई हम आपसे तो कर इनको मोबाइल मिल जाए तो ये आजू बाजू में कुछ भी नहीं देखते हैं। ऑन तो करो इसको, वॉइस नहीं आ रही। वॉइस लेकर देखो ना। अब ये अकोटा ब्रिज की लाइट चालू हो गई है। लाइटिंग चालू हो गई है, चलो लाइटिंग चालू हो गई है।
कर रहे हैं, ये भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देखो सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, बताना कैसी बनी फिर। देखो ये अजय जी ने वीडियो उतारी है, ये दिखा रहे हैं। ये भाई साहब बहुत गौर से वीडियो बना रहे हैं। वे, 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 वे। ये आए, अंकल आए। ये अंकल आए चना चोर वाले, इनको भूख लगी और ये खाना बनाने जा रहे हैं, देने के लिए जा रहे हैं। और अंकल अभी चना चोर बना रहे हैं मस्त नींबू डाल के। क्योंकि किसी को भूख लग रही है और वो चना चोर खाने के लिए अंकल से चना चोर बनवा रहे हैं, ये अंकल बना के इनको दे रहे हैं। अरे मेरे लिए भी लो, एक ही लिया। हाँ मेरे लिए भी लो, बन रहा है। मैडम जी पार्टी तो इन्हीं की चल रही है भाई, क्या खा रहे हो? चना चोर दो दो। ओहो लाइट चलो घर पे, घर नहीं जाना है, चलो घर। जाते दस ग्यारह बजे क्या? खाना यहीं ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ जी खाना इधर ही ऑर्डर कर लो, चलो घर। फाइनली अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि 9:30 बज गए हैं रात के और घर जाना भी ज़रूरी है। सो गाइज हमने काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी टाइम बाद हम यहाँ पे आए। और वैसे भी बड़ोड़ा में घूमना हो तो नाइट के टाइम निकलो, नाइट के टाइम बहुत मज़ा आता है घूमने में और असली बड़ोड़ा की रौनक भी पता चलती है। गाइस ये पोलो ग्राउंड है, फिलहाल तो खाली है लेकिन ठंडी के टाइम यहाँ पे काफ़ी सारे स्वेटर और जैकेट्स दिखते हैं। और ये अभी लक्ष्मी विलास पैलेस का 3rd गेट आएगा जहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइटिंग है की हुई है। देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइटिंग की हुई है और नाइट के टाइम काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे भी। और अब हम कुछ टाइम में घर पहुँचने वाले हैं। गाइज फाइनली हम अब घर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और आपने देखा होगा कि यहाँ के वडोदरा के सबसे अच्छे ब्रिज अकोटा ब्रिज पे कितना मज़ा आता है, यानी नाइट के टाइम फुल इंजॉय करो, सब लोग आते हैं घूमने के लिए। अगर आप भी वडोदरा आओ तो कभी अकोटा ब्रिज पे जाना मत भूलिएगा। और अब तक मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय, थैंक यू।